ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, जैसे ही गाइस आप सभी को हर वीडियो में मिलता है। तो गाइस आप लोग जो अभी इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आप लोग उस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या गाइस, आप लोगों को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल का पीएनजी, ठीक है। मॉडल का पीएनजी ऐड करने के बाद जो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को मॉडल को जो आपको इस तरीके से यहाँ पे इस जगह पे रखना है, ठीक है। यानी कि जो व्हाइट वाला जो टाइगर है वो नीचे वाला टाइगर के नीचे थोड़ा सा टच होना चाहिए बस, ठीक है, इतना रखना है आपको हाइट। एंड उसके बाद जाना है रेजर टूल में। रेजर टूल में जाने के बाद हार्डनेस को फुल कर देना है। जो हाथ में जो इन भाई ने जो भी कुछ पकड़ रखा है उसको हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें लगाना दूसरा फायर स्टिक का पीएनजी, ठीक है, तो वो हम लगाएंगे। एंड कैसे लगाना वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखना। पहले हम इन सबको इरेज कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें। ओके गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सबको फायर स्टिक का पीएनजी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कहीं से भी जाकर डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर इसका क्या करना, आपको जाना है ऐसे रेजर टूल में, ठीक है। जब आप इसको ऐड कर लोगे तो आपको रेजर टूल में जाना है। एंड उसके बाद जो आपको फेस की तरफ जो टच हो रहा होगा उस वाले एरिया को आपको इरेज कर लेना है। देन आपको क्या करना है, आपको उसका एक डुप्लीकेट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एक डुप्लीकेट बना के, क्योंकि दूसरे हैंड पे भी रखना है आपको, तो दूसरे हैंड पे भी कुछ स्टेप्स ऐसे रख लेना है, ठीक है। एंड गाइस आपने RR मूवी देखी ही नहीं, देखी यार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप में से कितना भाइयों ने देखी है। तो बाकी आपको जब उसके बाद आप पीएनजी लगा दोगे रेजर टूल में जाकर, आपको यहाँ पे हार्डनेस फुल करके आपको जो नीचे से बीच वाला जो एरिया जितना भी आपको उसको इरेज कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि जो ये लगे कि आपने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इरेज करना है। एंड जो गाइस आपने पहले जो चीज़ पकड़ी होगी ना गाइस, वो कोशिश करना कि वो चीज़ ना दिखे, अगर वो दिखेगी तो यार फोटो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो आपको फिर इसका दूसरा वाला पीएनजी लेना, फिर आपको रिजल्ट में जाना दोबारा। एंड रिजल्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर हार्डनेस फुल कर देना है। एंड उसके बाद आपको उसको इरेज करना है, ठीक है। और सॉरी गाइस नीचे से नहीं करना है, बीच में से करना है, जो कि हमें बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से करना है, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई मतलब जितने ज़्यादा देर लगती है ना फोटो एडिटिंग में, उतना अच्छी फोटो एडिट होती है, तो आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली अब अपनी फोटोग्राफी आप डन कर सकते हो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे दो तीन एनिमल्स के पीएनजी और मिलेंगे, ठीक है। दो नहीं, एक ही मिलेगा, उसमें दो एनिमल होंगे, ठीक है। तो आपको उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब आप सभी को यहाँ पे कर देना है इसको डन, ठीक है। अब जब गाइस देखिए यहाँ पे पिक्सार्ट का हमारा काम खत्म हो जाता है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे और इसको लेके चलेंगे हम लाइट रूम ऐप में। तो इसको हम सेव कर लिया हमने, अब इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे लाइट रूम ऐप में जाने के बाद आपको गाइस सिंपली अपनी फोटो को इंपोर्ट कर लेना है। जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में, आपको इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे इंक्रीज करना है। हाईलाइट जो है यहाँ पे आपको उसको कम नहीं, यहाँ पे हाँ कम कर देना है थोड़ा सा। एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। एंड जो व्हाइट है, व्हाइट को यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है, क्योंकि टाइगर जो हमारे ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक को भी इंक्रीज़ कर देना है। चले जाना है यहाँ पे कलर्स में, वाइब्रेशन बढ़ा देना है, थोड़ा सा सैचुरेशन इंक्रीज़ कर देना है। एंड उसके बाद टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है। फिर चले जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर आपको पहले यहाँ सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है, लूमिनस आपको इंक्रीज़ कर देना है। देन उसके बाद आपको करना है, आपको जाना है ऐसे स्काई ब्लू में, डार्क ब्लू में, डार्क ब्लू में जाने का ह्यू बढ़ा देना है, सैचुरेशन बढ़ा देना है, कर देना है डन। फिर उसके बाद चले जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में। नीचे टूल में जाने के बाद फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, फोटो में डाल देना विगनेट। एंड उसके नीचे आपको स्क्रॉल करना है, आपका पहले ग्रेन माउंट आपको उसको बढ़ा देना है। एंड चले जाना है नीचे वाले टूल में। नीचे टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, फोटो में नॉइज रिडक्शन बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे आपको कलर नॉइज रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।